ये देखिए भाई बिल्कुल काफी अंदर तक। तो भाई के घर पे पहुंच गए भाई, चलिए दिखाते हैं आपको भाई की पशु। इसमें कैंसर बता दी थी? नहीं भाई, इसके अंदर ये क्या बता दिया था? वही है, ये नस वाली शायद दिक्कत है ना। ये मारती है भाई, भाई का पशु है जितना भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये गिर गाय का बछड़ा है ना? हाँ, गिर गाय का बछिया, ये बछड़ा है। और ये गाय, इस गाय का बछड़ा है वो, ये गिर गाय है। सही में गुजरात से, गुजरात से लेके आया इसको 25,000 रुपए की। कितनी एक बार बताइए, कितने के लिए? क्या 25,000 रुपये? 25,000 में 500 रुपये कम है सिर्फ, और किराया सही तो 25 से ऊपर हो गई, 30 के आसपास हो गई। हाँ, गुजरात से ले जाए। तो भाई ये गाय है ना जो ये गुजरात से लेके आए हो भाई, गिर गाय है आप देख सकते हो। तो भाई इस भैंस का जो सींग है आप देख सकते हो, बिल्कुल सिर के अंदर गड़ा हुआ है, खून निकल रहा है भाई देखो। और भाई जो बता रहा है कि खून भी निकलता रहता है। गांव का नाम क्या अपने का यहाँ पे? पापुनदास, जिला अजमेर, केकड़ी शहर के पास में 6 किलोमीटर दूर। अच्छा, पापुनदास। तो भाई बिंटू सिंदड़ राजस्थान के अंदर, ये अजमेर जिला में देख सकते हो आप। देखो ताऊ जी ने जो कान में पहन रखे, लगभग सभी के कान में ऐसे मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा अंदर तक गड़ा हुआ है सिंह, सिर के बिल्कुल अंदर तक। तो भाई जो यहाँ के ये लोग ये काफ़ी मतलब डर गए हैं, भैंस बोल रहे कि जी बाहर निकाल लिए। तो देखो ये तो पशु है भाई, थोड़ी बहुत तो करेगा ही, लेकिन जो इसके अंदर सिर के अंदर जो सींग गड़ा हुआ है उससे दर्द भी बहुत हो रहा है। मर भी सकती है भाई साहब, भैंस मर भी सकती है अगर कीड़े पड़ गए। और दूध देने में भी मतलब कमी आती है। तो भैया आप अभी देख सकते हो ये सिंह कितना गड़ा हुआ है और काफी अंदर गया हुआ है। अब मैं इसका पूरे के पूरे को निकाल देता हूँ। और ये जो निकालने की जो ये प्रक्रिया है ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, आप भी देख लीजिए। ये देखिए भाई बिल्कुल देखिए कितना बड़ा अंदर से निकाला हुआ। देखिए भैया अगर ये नहीं बनता तो मैं इसकी मौत भी हो सकती थी साथियों।
ये बनवाना बहुत जरूरी है। आपके पास 50-60-70 हजार रुपए की एक भैंस है, अगर उसको इस प्रकार से सींग लगेगा तो उस भैंस की मौत हो सकती है। 60-70 हजार रुपए का आपको नुकसान हो सकता है, समझते हैं आप। और ये एक बीमार लाचार पशु है और हम दूध पीते हैं इसका, और ये बोल सकता नहीं, तो इस प्रकार का काम बखूबी हमारे द्वारा करा लीजिए। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल न्यू मान लो कंसरे हो रही थी किस्म की, ठीक है ना। साइड हो चुके बहुत ज्यादा, बच्चों साइड हो चुके देख लीजिए, बिल्कुल सभी का तांता लगा हुआ है यहाँ पर देखने के लिए, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये तो गांव की है भाई, काम करने यही दूर से आए हैं। ये तो गांव कैसा फील हो रहा जी आपको, कैसा महसूस हो रहा है हम इतनी दूर से काम करने के लिए आए हैं? हरियाणा के, हरियाणा हिसार से। हाँ भाई, लगभग यही कोई 600-700 किलोमीटर। क्या कितने आदमी आए हो? क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा नारनौल। हाँ नारनौल पता भी नहीं लगेगा ये सिंह बना हुआ। भैया अभी बेच दो किस भैंस को? नहीं भाई, आप क्यों नहीं बेच रहे? बस अब सही है, अच्छी हो गई पेट, बस तेल के लिए बंद। अच्छा अच्छा, देख लो भाई काम करवाने के बाद भाई बोल रहा कि मैं अपने घर ही रखूंगा इसे, बेचूंगा नहीं भैया। और काम करवाने से पहले बोल रहा था कि मैं इसे बेच सेल कर दूंगा, सेल करने की बोल रहा था। क्या बोले थे भैया? भैया पहले तो ये सेल के लिए थी, अब सेल के लिए नहीं है। आप खुद भी अंतर देख लो, अब कैसे लग रही है भाई। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतनी दूर बुलाया, इसने बुलाया। और जो बड़ी बात है, इस भैंस का जो है दर्द है बहुत ज़्यादा था, इस भाई ने इसका ये काम करवाया। ये देखिए भाई, आप अंतर खुद देख सकते हैं। नहीं मतलब वही है, एक तो होता है जो तो लीजिए दोस्तों, इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे आए थे अजमेर जिला। और क्या बोले थे भाई जी? केकड़ी शहर से 6 किलोमीटर दूर, केकड़ी शहर से 6 किलोमीटर दूर सापुंडा गांव में। तो आप लोग देख सकते हैं, तो आपको यहाँ का रहन सहन जो है और ये गांव और ये राजस्थान थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मारा भी बहुत मन लग गया इसी बात। हाँ, मन बहुत लगा भाई, मारा भी सच्ची पूछे नहीं, इतने बढ़िया भाई भगवान सब लगे। लगभग 600-700 किलोमीटर चल के आए होंगे, 600-700 किलोमीटर चल के आए। हर यू भाई न्यू कर रहा भाई, मतलब तारा बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा किया हमारा काम है। चलो तो ऐसे ही वीडियो आप देखो, काम तो आप देखते रहते हैं हमारा। तो अभी जो है राजस्थान की थोड़ी सी झलक आपको दिखा।
सफाई का रख रखाव बहुत अच्छा है यहाँ पे। हालांकि राजस्थान है ये देखो भैंसों के नीचे पत्थर है और भाई जिस तरह से बोल देते हैं राजस्थान में पानी की कमी, भाई ने देखो बोर लगा के भैंसों को नहला रहा भाई। मतलब कहने का मतलब ये हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई पानी की कमी होगी, क्योंकि देख रहे हो भाई भाई पानी फुल फरमाला है। सिर में लगा दे भाई, सिर में, सिर में डाल दे भाई भैंस के पानी, क्या बात है। ले भाई कैसा पानी है? ले भाई घना बढ़िया पानी यार, कितनी फुट नीचे था रे भाई साहब ये पानी? तीन चार बार पी लिया भाई साहब, इसको मीटर लग रही मतलब ऐसा काम हो गया। ले भाई कितनी फुट नीचे था रे पानी? हो 40 फुट पर पानी है भाई, उरा देख लो 40 साल के दी हो गई। इसको इसको बनाया किस तरह है ये देखिए देखिए ये आप लोग मकान देख सकते हैं राजस्थान में, अभी भी देख सकते हैं यार, मतलब कि पूरा मिट्टी का बना हुआ है और ये देख सकते हैं यार। ऐसे गिरने का तो डर रहता होगा इसका यार, वैसे तो 40 साल से तो कुछ हुआ नहीं। अभी 40 साल हो गए भाई, बोल रहे कि इसको 40 साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये देख सकते हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहले ऐसे ही मकान हुआ करते थे सभी के कच्चे, तो राजस्थान में आज भी ये देखने को मिल सकते हैं आपको। चलो